एपिसोड 908 वार पर वार। ध्रुव ने जब सुमेर के बारे में पूछा और ठकुराइन ने मना किया कि वो नहीं जानती कि सुमेर कहां गया था, तभी पीछे से छलावा की आवाज आई। चाहे वो सुमेर किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे लेकर आता हूं। छलावा की आवाज पर ध्रुव के साथ साथ चेरी और ठकुराइन भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने पाया कि छलावा वहां से कुछ दूरी पर ही खड़ा था और उन लोगों की सारी बातें सुन चुका था। छलावा को देखकर चेरी उसकी तरफ जाने लगी कि तभी छलावा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और मजबूत आवाज में बोला, अब जब तक मैं उस सुमेर को उसके किए की सजा नहीं दे देता, तब तक मैं ना तो तुम्हारे गले लगूंगा और ना ही तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखूंगा। चेरी ने भीगी हुई नजरों से छलावा की तरफ देखा। छलावा की आंखों में गुस्सा और उसके चेहरे पर मजबूती साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब सुमेर का हिसाब किताब आर पार कर देना चाहता था। छलावा जैसे ही वहां से जाने लगा कि ध्रुव बोला, रुक जा, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। इतना कहकर ध्रुव भी उठ गया और चेरी को बोला, तुम यहीं रुको, हम अभी उस सुमेर को लेकर आते हैं। कहाँ गया होगा? छुपा होगा वो यहीं कहीं पर आसपास ही। उसके जैसे घटिया इंसान मुंह छुपाने में यकीन ही नहीं करते, छलावा ने कहा। नहीं ध्रुव, तुम चेरी को अपने साथ लेकर घर जाओ, मैं सुमेर को ढूंढ कर लाता हूँ, ध्रुव ने कहा। इंस्पेक्टर विवेक कहाँ है? वो यहीं तो मेरे साथ थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तभी उन्होंने देखा कि विवेक हवेली के पिछले हिस्से से निकल कर आ रहा था। वो भी बहुत ही गुस्से में था। विवेक ने एक नजर चेरी पर डाला और ध्रुव से बोला, वो यहाँ आसपास कहीं नहीं है, लगता है कि वो भाग गया है। ध्रुव ने कहा, जितना मैं उसे जानता हूँ वो इतना घटिया आदमी है कि वो भागेगा तो नहीं, वो बहुत ही बेशर्म है और वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। छलावा बोला, वो आसपास हो या चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ध्रुव ने कहा, चेरी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ से निकलना बेहद जरूरी है। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारी परेशानी और बढ़ती ही रहेगी। ध्रुव ने संभाल कर चेरी को सहारा दिया और उसे हवेली से निकालने लगा और विवेक को देखता हुआ बोला, इंस्पेक्टर आप छलावा के साथ उसे ढूंढे। विवेक ने कहा, मैं ना सिर्फ उसे ढूंढ निकालूंगा बल्कि उसे उसके किए की सजा भी बराबर दूंगा। विवेक की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हें अचानक से सुमेर के हंसने की आवाज सुनाई दी जो वहीं कहीं उनके आसपास से आ रही थी। वो सब चौंक कर चारों तरफ देखने लगे कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी, क्योंकि विवेक ने तो खुद पर्सनली हवेली के पूरे हिस्से से लेकर पीछे के हिस्से तक देख लिया था, लेकिन सुमेर कहीं नहीं था। अब उन्हें ये आवाज ऊपर की तरफ से आती महसूस हुई। विवेक ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसने पाया कि सुमेर छत की रेलिंग पर अपने हाथ को सहारा देता हुआ खड़ा था और अपने फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। उसकी आवाज से और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई भी कांड किया था। अभी भी वो बड़े ही आराम से अपने फोन पर बात करता हुआ इधर से उधर टहल रहा था। ये देखकर विवेक का खून खौल गया और वो सीढ़ियों की तरफ भागा। छलावा अभी भी मूर्ति की तरह खड़ा था और ऊपर घूरते हुए सुमेर की तरफ देख रहा था। विवेक जैसे ही छत पर गया तो उसे आते देखकर सुमेर जिससे फोन पर बात कर रहा था उससे बोला, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया, उसे अपने पॉकेट में रखकर बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप अचानक यहाँ? अरे फोन कर देते तो कम से कम मैं आपकी मेहमान नवाजी की कुछ तैयारी भी कर लेता। आप जब भी आते एकदम से ही आ जाते हैं, कभी मुझे अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का मौका ही नहीं देते। आखिर हम भी पाली के सरपंच हैं, ठाकुर हैं, हमारी मेहमान नवाजी देखने का मौका तो आपको भी मिलना चाहिए, है ना? विवेक बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और एकदम से सुमेर का कॉलर पकड़कर उसे घसीटने लगा। सुमेर एकदम से हैरानी से बोला, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी मेहमान नवाजी की बात कर रहा हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब मैं कह रहा हूँ छोड़िए मुझे। लेकिन विवेक उसे घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ लेकर बढ़ा। सुमेर ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं सका। सुमेर नीचे गिर चुका था और विवेक बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे और एक लफ्ज बोले बस उसे खींचता चला जा रहा था। सीढ़ियों पर घिसने की वजह से सुमेर के हाथ पैर में कई जगह पर खरोच लग गई थी। विवेक सुमेर को लेकर सीधा आया और उसे बगीचे के बीच में खड़ा कर दिया और बोला, तुम सही कह रहे थे ध्रुव, इसके जैसा घटिया आदमी जिसके अंदर कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। और देखो वो यहीं था, मैं तो इसे छत पर ढूंढने गया ही नहीं था, सुमेर मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला। अरे आप लोग तो बड़े ही बदतमीज हैं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे ही घर में आकर मेरे साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही विवेक ने एक जोर का घूसा सुमेर की नाक पर मारा जिससे कि उसकी नाक से खून के फव्वारे फूट गए और उसके होंठ भी कट गए थे।
सुमेर ने अपने दोनों हाथ से अपनी नाक को जोर से दबाया और दर्द भरी आवाज में बोला, इंस्पेक्टर तुम्हारी ये हिम्मत। इतना कहते हुए सुमेर ने भी पलटकर इंस्पेक्टर को एक पंच किया, जिससे एक सेकंड के लिए तो विवेक अपनी जगह से डगमगाया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए बोला, इसी हाथ से तूने उसे छूने की हिम्मत की थी ना। सुमेर बोला, ये क्या बोले जा रहे हो, किसे छुआ है मैंने, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और तुम लोग मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो। इतना कहते हुए सुमेर ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, ये सब क्या हो रहा है, ये सब आप करवा रही है ना, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा। तभी छलावा एकदम से आगे आया और उसने सुमेर का गला कसकर पकड़ लिया और इंस्पेक्टर को बोला, आपका शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने अपना काम कर दिया, अब आप जा सकते हैं। विवेक ने कहा, इतनी आसानी से नहीं, इसे तो अभी इसके किए की सजा देना बाकी है। छलावा ने गुस्से में कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसे सजा मैं दूंगा। सुमेर ने जोर से छलावा को धक्का दिया और चेरी की तरफ देखकर उसकी तरफ भागा। ये देखकर चेरी एकदम से सहम गई और ठकुराइन के पीछे छुप गई। ठकुराइन ने गुस्से में कहा, वहीं रुक जाओ सुमेर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सुमेर बोला, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठकुराइन ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुमेर, तुम्हारी सारी गलतियां एक तरफ और तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत एक तरफ। तुम घटिया हो सकते हो, ये तो मैं पहले से ही जानती थी। तुम्हारे अंदर इस दुनिया की सारी बुराइयां हैं, तुम लालची हो, तुम मतलबी हो, ये सब मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन तुम एक लड़की पर हाथ डालोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, आज पहली बार मैं थूकती हूँ तुम पर, और मुझे अब ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, बल्कि तुम तो किसी भी माँ के बेटे नहीं हो सकते। तुम्हें तो इस दुनिया की जो सजा मिले वो कम है। आज मैं कहती हूँ तुम लोगों से, इसे इतना तड़पाओ कि इसकी आत्मा भी कांप जाए, ये कहने में मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं हो रहा है। सुमेर गहरी सांस लेकर ठकुराइन की तरफ देखने लगा। अभी तक तो वो नाटक कर रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन अब वो आराम से बरामदे पर रखे सोफे पर बैठ गया और अपने पैर पर पैर चढ़ाता हुआ बोला, अच्छा तो तुम लोग आज आर पार करने के मूड में हो, ठीक है तो बताओ क्या कर लोगे मेरा। हाँ मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, और क्या कर लोगे तुम लोग, मेरा क्या बिगाड़ लोगे बताओ। विवेक ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रखूंगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिले। सुमेर अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने का ड्रामा करता हुआ बोला, अच्छा ये बात है, क्योंकि फॉरेन में जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई तो मैंने भी की है, और ये तो आपको भी पता ही होगा कि पॉलिटिक्स में रहकर लॉ की जानकारी तो मुझे भी है, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से इतने बड़े एक्यूसेशन के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, सबूत नहीं तो कम से कम विक्टिम की तरफ से एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत पड़ती है। अब बताइए जरा कहाँ है वो सबूत और कहाँ है विक्टिम की कंप्लेंट। पुलिस के पास मेरे अगेंस्ट कुछ भी दिखाने लायक क्या है, दिखाइए जरा। विवेक ने कहा, अभी नहीं है लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ मिल जाएगा, मैं इसी वक्त चेरी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, चेरी तुम्हारे अगेंस्ट ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करेगी और देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में भी फैल जाएगी कि उनके महान सरपंच साहब असल में कितने नीच और घटिया इंसान है। उसके बाद तुम सोचना तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम्हें बहुत घमंड है ना इस बात का कि तुम पाली के सरपंच हो और तुम्हारे पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है। इस कंप्लेंट के बाद तुम्हारे ओहदे का क्या होगा ये तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। सुमेर ने कहा, ओके तो तुम लोग इस उम्मीद पर बैठे हुए हो। अच्छा इंस्पेक्टर ये बताओ तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट क्या प्रूफ है। कुछ नहीं ना, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि तुमने मुझे फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की, वो भी बिना किसी वजह के। आपने मुझे हर्ट किया, और रही बात गवाहों की, तो यहाँ पर मेरे जो नौकरों की फौज खड़ी है वो सब आपके अगेंस्ट ही बोलेंगे। दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है, आप इस लड़की को अपने साथ ले जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देंगे, आपका इसके साथ ये नया नया याराना जो शुरू हुआ है तो आपको क्या लगता है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर ये लड़की मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट लिखवा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लड़की ने पहले के समय में जो कुछ भी किया है उसे भी मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। उसके बाद तो बेचारी की ऐसी थू थू होगी और आप पूरे पाली में ये खबर फैलाने चले हैं कि मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया है। आप ये खबर फैलाने जाओगे तो लोग यही मानेंगे कि इसी ने मुझ पर डोरे डाले हैं। इतना कहकर सुमेर रुका और बेशर्मी के साथ हंसता हुआ बोला, अब इस बेसिस पर तो आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, और रही बात यह कि आप मेरे नौकरों को गवाही देने के लिए बोलेंगे तो वो बेचारे तो मेरी आज्ञा के बिना चलते तक नहीं है।
हाँ मानता हूँ कि एक दो गद्दार मेरी सेना में आ गए थे, लेकिन अब वो निकल चुके हैं। और अब आप लोगों को यहाँ जो कोई भी नजर आ रहे हैं ना, वो मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते। इतना कहकर सुमेर चुप हुआ और चेरी को सिर से पैर तक देखता हुआ बोला, क्यों चेरी, तुम्हें तो याद है ना, तुम तो मुझ पर कितनी पागलों की तरह डोरे डाला करती थी। तुमने तो अपने आप को एक बार झूठ मूठ का प्रेग्नेंट भी साबित कर दिया था। वो सब याद है कि भूल गई हो? मुझे पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया? उसके बाद अगर अब तुम कोई स्टेप लोगी तो गांव वाले तुम्हें ही दोषी मानेंगे, क्योंकि मेरा तो रिकॉर्ड है, आज से पहले कभी किसी लड़की ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई और ना ही मेरा कोई अफेयर रहा है, तो मैं तो बेदाग साबित हो जाऊंगा। फिर तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाली का तो नियम ही है, यहाँ कोई इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। सब हैरानी से सुमेर को देख रहे थे कि भला कोई इंसान इतना भी घटिया कैसे हो सकता था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा था। सुमेर उठा और इधर उधर आराम से चलता हुआ एकदम से छलावा के नजदीक आया और उसके कान में जाकर बोला, मेरी गर्दन पर वार करने की हिम्मत की थी ना तुमने, अब देखो मैं तुम पर किस किस तरह से वार करता हूँ।